किचन, स्वागत है आप सभी का हमारे पीस किचन में। मेरा नाम पीस कुमार वर्मा है दोस्तों, एंड मेरे यूट्यूब चैनल का नाम दोस्तों पीस किचन है। और मैं आज बनाने जा रहा हूँ दोस्तों भिंडी दो प्याज की रेसिपी। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर कर देना हमारी इस वीडियो को, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं भिंडी दो प्याजा की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को सारा इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भिंडी दो प्याजा की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को सारा इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। तो दोस्तों इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है दोस्तों सबसे पहले आधा किलो भिंडी ली जो मैंने काट के रख ली है दोस्तों। एंड दोस्तों ये कुछ हमने मसाले लिए हैं इंग्रेडिएंट यानी कि ग्रेवी के लिए, जो भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए उसके लिए जो मैंने मसाले वगैरह लिए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों 5 मीडियम साइज के प्याज लिए दोस्तों, 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, 4 से 5 हरी मिर्च हैं, 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं। एंड दोस्तों स्वाद अनुसार मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये मैंने रेड चिल्ली फ्लेक्स लिया है दोस्तों, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। एंड दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं कि प्याज को सॉरी लहसुन को हम आम दस्ते में दोस्तों इसको हम क्रश कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्रश कर लेते हैं। ये दोस्तों हमने फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन में दोस्तों हम पहले इसका जो ग्रेवी बना लेंगे तड़का बना लेंगे दोस्तों। तो फ्राई पैन में दोस्तों हम तड़का लगा लेते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन करते हैं और इसको गर्म होने देते हैं। इसका जो पानी वगैरह है दोस्तों वो सूख जाए, इसको हम गर्म होने देते हैं। फिर इसमें डालेंगे ऑयल। तो चलिए जब तक हमारा फ्राई पैन गर्म हो रहा तब तक दोस्तों हम लहसुन को क्रश कर लेते हैं ये दोस्तों। तो दोस्तों हमने इतना ही क्रश करना, ज़्यादा नहीं क्रश करना है दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों ज़्यादा नहीं मैंने क्रश किया दोस्तों, मोटा मोटा ही क्रश किया। तो ये देख लीजिए दोस्तों हमारा फ्राई पैन है वो भी गर्म हो चुका दोस्तों। सो इसमें डालते हैं दोस्तों फॉर्चून ऑयल, 2 से 3 चम्मच फॉर्चून ऑयल डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने फॉर्चून ऑयल डाल दिया एंड इसको भी हम गर्म होने खो लेंगे देखते हैं। तो दोस्तों जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा तब तक के लिए प्याज को भी हम चॉप कर लेते हैं दोस्तों लंबा लंबा। सो ये हम प्याज लिया है दोस्तों, प्याज को भी हम चॉप कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए हमने 3 प्याज लिए, इनको लंबा लंबा चॉप कर लेंगे। 2 प्याज दोस्तों स्लाइसिस में डालेंगे यानी कि बड़े बड़े पीसेस में डालेंगे। तो दोस्तों इसका जो डंठल वाला पार्ट है ये निकाल देंगे हम दोस्तों। सो इसी तरह सारे डंठल वाले पार्ट्स को हम निकाल देंगे। एंड दोस्तों हमने सारे डंठल पार्ट निकाल दिए, चलिए इसको हम उससे चॉप कर लेते हैं लंबा लंबा। एक चॉप करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हम सारे प्याज को चॉप कर लेंगे। चलिए दोस्तों इसी तरह हम सारे प्याज को चॉप कर लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने सारे प्याज को चॉप कर लिया एंड हमारा तेल भी दोस्तों गर्म हो चुका है। तो दोस्तों ऑयल भी गर्म हो चुका है दोस्तों, मैंने गैस को सिम पे कर दिया था। एंड इसी में डालते हैं जीरा दोस्तों, पहले मैं बताना भूल गया था। सो मैंने 1 चम्मच जीरा लिया दोस्तों, ये डाल दिया इसमें और इसी में डाल देंगे साथ में दोस्तों, क्योंकि तेल हमारा ज़्यादा गर्म था। तो साथ में ही डालेंगे दोस्तों हम जो क्रश किया हुआ लहसुन। तो दोस्तों साथ में हमने लहसुन डाल दिया क्रश किया हुआ। तो फ्राई कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं फ्राई करेंगे, इसी में डालेंगे दोस्तों साथ में प्याज। चलिए इसको हम मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे दोस्तों। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है दोस्तों, हल्का ब्राउन नहीं करना दोस्तों, क्योंकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए दोस्तों। तब तक के लिए हम दोस्तों एक टमाटर भी चॉप कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों टमाटर को भी हम चॉप कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हरी मिर्च हम चॉप कर लेते हैं। तो हरी मिर्च को दोस्तों हम इस तरह से चॉप कर लेंगे, मोटा मोटा चॉप करेंगे दोस्तों, पतला पतला नहीं करेंगे, क्योंकि साबुत भिंडी तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा करंची तड़का अच्छा रहता है दोस्तों। तो टमाटर का जो डंठल वाला पार्ट है वो निकाल देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों टमाटर को हम लंबा लंबा चॉप कर लेंगे टमाटरों को भी।
एक को एक एक पीस को दोस्तों मैं इस तरह चॉप कर दूंगा, एक लंबा लंबा रखेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं प्याज को। तो अभी दोस्तों हमारा प्याज पक रहा है, अभी ज़्यादा नहीं पका है दोस्तों। तो इसको हम 5 मिनट के लिए दोस्तों पकाएंगे, बस इसका कच्चापन निकालेंगे बस। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हमारे प्याज को पकते हुए, दोस्तों इसका कच्चापन है जो निकल गया। एंड इसी में डालते हैं दोस्तों जो हमने हरी मिर्च और टमाटर चॉप करके रखे थे दोस्तों ये। तो दोस्तों मैंने हरी मिर्च और टमाटर भी चॉप करके डाल दिए हैं इसी में, इसको भी कर देते हैं मिक्स। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम टमाटर डालते ही इसमें डालेंगे नमक। तो सबसे पहले दोस्तों हम 1 चम्मच ये स्वाद अनुसार जो नमक लिया था ये डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। गैस को कर देते हैं हाई फ्लेम पे, मैंने लो फ्लेम पे कर दिया था दोस्तों जब टमाटर डाले थे। तो इसको करते हैं मिक्स, टमाटरों को गला लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। इसी में डाल देते हैं दोस्तों जो हमने रेड चिली फ्लेक्स रखा था ये, दोस्तों हमने रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दी इसी में। तो दोस्तों हम इसको पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जो हम दो प्याज बचा के रखे थे इनको भी हम चॉप कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसके पीसेस बना लेंगे हैं। तो ये जो डंठल है इसका भी हम डंठल निकाल देंगे दोस्तों। और इसके जो ये पीस हैं दोस्तों ये निकाल लेंगे हम इस तरह से सिंगल सिंगल दोस्तों कर लेंगे सारे पीसेस को दोस्तों इस तरह से। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने सारे प्याज के जो पार्ट्स होते हैं जो जैसे इसके पार्टीशन होते हैं वो सारे अलग अलग कर दिए दोस्तों, लीव्स ही बना लिए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों तड़का भी हमारा बन के रेडी हो चुका, पक चुका। एंड अब इसी में डालते हैं दोस्तों हल्दी पाउडर। तो दोस्तों जो मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया था ये डाल रहे हैं। एंड साथ में डालेंगे दोस्तों धनिया पाउडर, थोड़ा सा दोस्तों इसमें डाल देंगे हम किचन किंग मसाला, ऑप्शनल है दोस्तों, आप लोग चाहें तो डालें, नहीं है अगर अवेलेबल है तो डालें, नहीं अवेलेबल है तो दोस्तों कोई बात नहीं स्किप भी कर सकते इसको। तो दोस्तों हमने किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया। एंड 2 मिनट के लिए दोस्तों हम इसको भी पका लेंगे, मसालों को भी, सूखे मसालों को भी दोस्तों। तो दोस्तों 2 मिनट के लिए पका लेंगे हम सूखे मसाले को। तो चलिए दोस्तों अब बारी है जो प्याज को हम जो बाकी का जो प्याज काटा था उसका तड़का लगा लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, उसको फ्राई कर लेते हैं। और भिंडियों को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो इसमें भी हम 1 से 2 टेबल स्पून तेल डाला है दोस्तों, रिफाइंड ऑयल डाला है हमने। तो इसको हम गर्म होने देते हैं 2 मिनट के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ऑयल रखा था जो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है दोस्तों वो भी गर्म हो चुका है। एंड दोस्तों ये मैं कढ़ाई नहीं लेके आया हूँ दोस्तों, वो कढ़ाई मेरी ख़राब हो चुकी थी तो दोस्तों मैंने नहीं लेके आया दोस्तों। ये नॉन स्टिक नहीं है पर दोस्तों इसमें भी खाना चिपकता नहीं। तो चलिए दोस्तों इसमें हम डालते हैं प्याज। तो दोस्तों हमने जो खड़ा प्याज डाला था उसको भी दो मिनट के लिए फ्राई कर लिया दोस्तों। इसका कच्चापन निकालना था मैंने तो कच्चापन इसका निकल चुका है। अब इसी में डालते हैं दोस्तों जो मैंने भिंडी काट के रखी थी दोस्तों ये, इसको हम गैस को करते हैं थोड़ा सा हाई फ्लेम पे। चलिए दोस्तों 5 मिनट के लिए इसको हम वैसे फ्राई कर लेंगे ताकि दोस्तों भिंडियों का कच्चापन निकल जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 5 मिनट इसको हम ढक भी देते हैं, ढक के पका लेते हैं। सो 5 मिनट दोस्तों हम इसको ढक दे रहे हैं।
सो ये देख लीजिए दोस्तों, 5 मिनट इसको हम ढक के पकाएंगे ताकि जो दोस्तों भिंडियों का कच्चापन है वो निकल जाए अच्छे से। एंड दोस्तों जब तक हमारी भिंडियाँ पक रही हैं तब तक के लिए दोस्तों जो मैंने एक टमाटर बचा के रख लिया था इसको भी हम काट लेते हैं। इसका भी जो डंठल वाला पार्ट से ये निकाल देंगे दोस्तों। सो इसको हम निकाल देंगे और इसको भी हम लंबा लंबा इसको दोस्तों काटेंगे। आपको पहले बताया था कि एक को मैं बारीक बारीक चॉप किया था और इसको मैं लंबा लंबा ही दोस्तों रखूँगा इस तरह से स्लाइसिस में। तो दोस्तों ये भी देखिए आप लोगों, हमने इसको लंबा लंबा पीसेस में काट लिया। एंड सो 5 मिनट हमारी भिंडियों को भी होगा दोस्तों। इसको एक बार स्टर कर देते हैं दोस्तों इस तरह से, जो इसका दोस्तों लार्वा होता है दोस्तों, मैंने इसको रात को धो के पंखे के नीचे रख दिया था दोस्तों, तो इसका जो पानी होता है वो सूख गया दोस्तों। नहीं तो अगर पानी रह जाता तो दोस्तों भिंडियों से लार्वा ज़्यादा निकलता है। सो दोस्तों मैंने पंखे के नीचे रख दिया था सूखने के लिए, तो सुबह मैंने काट लिया था। और इसी में डाल देते हैं दोस्तों टमाटर, ये जो मैंने टमाटर रखे थे ये, इसको कर देते हैं स्टर। और साथ में डाल देंगे दोस्तों हम इसमें जो हमने मसाला बनाया था, जो ग्रेवी बनाई थी दोस्तों ये, तो ये भी इसी में स्टर कर रहे हैं, डाल रहे हैं दोस्तों, सर्व कर दे रहे हैं इस तरह से। एंड दोस्तों मैंने इसमें ना ही कोई आमचूर डाला ना ही कोई चीज़ डाली दोस्तों, तो दोस्तों बाकी का बच्चा इसमें इस तरह से भिंडी लेकर के दोस्तों। तो चलिए इसको मिक्स कर देते हैं भिंडी दो कहते हैं आपको, और ओपन ओपन में ही पका लेंगे दोस्तों हम। गैस को कर देंगे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे। चलिए दोस्तों हम इसको पका लेंगे इस तरह से ओपन में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी सब्जी पक के रेडी हो चुकी है। एंड गैस को करते हैं अब ऑफ। इसी में डाल देते हैं दोस्तों थोड़ी सी धनिया। एंड दोस्तों इसको कर देते हैं मिक्स। तो दोस्तों ये देख लीजिए दोस्तों, हमारी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है दोस्तों। भिंडी दो कैचा की रेसिपी जो मैंने सब्जी बनाई थी दोस्तों वो बन के रेडी हो चुकी है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना जरूर कर देना हमारी इस वीडियो को, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी या भिंडी दो प्याज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर कर देना हमारे इस वीडियो को, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सो फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।